हाँ पूरब, तुम्हें रिमाइंड करने के लिए कॉल किया है आपको। कल नोएडा फिल्म सिटी में तुम्हारा इंटरव्यू है, प्लीज ठीक शाम 7 बजे पहुंच जाना। ओके हाँ ठीक है, पहुंच जाऊँ। अमिताभ रैना टाइम का बहुत पंक्चुअल है, सो प्लीज बी ऑन टाइम। ठीक है चलो बाय। ठीक है फिर मैं तुम्हें सीधा स्टूडियो में मिलूंगा। ओके बाय। अरे इतने सारे मैसेजेस। श्रेया, रॉकेट टुमारो। माया, हे भगवान, अमिताभ रैना को कोई झांसी के रानी से बचाए। जानवी, मेक अस प्राउड। टीटी, क्रांतिकारी क्वीन, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच क्वींस, मेरा इंटरव्यू जरूर देखना, फीडबैक लूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। चिनू, मैंने सुना है तुम्हारी नॉवल पे मूवी बन रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कल मैं अमिताभ रैना के टीवी शो पे लाइव आ रही हूँ, प्लीज देखना मत भूलना। लव यू। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से। साहब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस
उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगले? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।